हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑलराउंडर सिविल इंजीनियर्स पे। तो फ्रेंड्स, अभी की इस वीडियो में हम थंब रूल पे बेस्ड डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, जो कि जी प्लस वन बिल्डिंग के लिए लागू होता है, यानी कि ग्राउंड प्लस वन बिल्डिंग। मतलब कि हम डबल स्टोरी बिल्डिंग के जब हम बना रहे हैं या फिर हम सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं उसके लिए लागू होता है। जब बिल्डिंग का हाइट डबल स्टोरी से ज़्यादा होता है तो ये थंब रूल वहाँ पर लागू नहीं होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे जानने वाली है कि जहाँ पे हमारा सोयल का बेयरिंग कैपेसिटी 30 टन यानी 30 टन पर मीटर स्क्वायर के बराबर या इससे ज़्यादा हो तभी ये थंब रूल लागू होगा, अदरवाइज ये थंब रूल लागू नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, आप हमारे इस चैनल ऑलराउंडर सिविल इंजीनियर्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे किसी भी नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखते हैं मिनिमम डायमेंशन ऑफ कॉलम के बारे में। तो हम अगर सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसका कोई ज़्यादा हेवी लोड नहीं है, नॉर्मल पर्पस से बना रहे हैं अपने घर के लिए, तो ये थंब रूल हम अप्लाई करेंगे जिसमें मिनिमम डायमेंशन ऑफ कॉलम होना चाहिए 9 इंचेस × 9 इंचेस या 225 mm × 225 mm। ठीक है, ये मिनिमम डायमेंशन है। इससे अगर ज़्यादा दे दे तो चलेगा अकॉर्डिंग टू लोड, बट इससे कम नहीं हम प्रोवाइड कर सकते हैं डायमेंशन कॉलम का। ठीक है, लेकिन हम ये तो एक स्क्वायर हो गया 9 इंचेस × 9 इंचेस, एक स्क्वायर कॉलम बन गया, लेकिन हम प्रीफर करते हैं रेक्टेंगुलर कॉलम का जो कि जिसका डायमेंशन होगा 9 इंचेस × 12 इंचेस। ठीक है, या इसको mm में कहें तो 225 mm × 300 mm। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा लेकिन ये भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम आरसीसी बीम साइज, मतलब बीम, चूंकि किसी भी बिल्डिंग में बीम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो बीम का मिनिमम साइज होना चाहिए 9 इंचेस × 9 इंचेस, यानी कि उसका चौड़ाई भी 9 इंचेस होना चाहिए और डेप्थ भी 9 इंचेस होना चाहिए। ये मिनिमम साइज ऑफ द बीम है, इससे कम हम टेक्निकली नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर एमएम में कहें तो 225 mm × 225 mm। ठीक है फ्रेंड्स, तो बीम की बात हो गई। अब बात करते हैं हम मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब। तो फ्रेंड्स, हम जब भी घर बनाते हैं तो उसमें छत प्रोवाइड करते हैं और दूसरी जगह स्लैब प्रोवाइड करते हैं जिसका मिनिमम थिकनेस 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंचेस होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए तो चलेगा लेकिन इससे कम हमारा स्लैब का थिकनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पे 5 इंचेस भी होता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग यूज़ करते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो थोड़ा थिकनेस बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम साइज ऑफ फाउंडेशन फॉर जी प्लस वन बिल्डिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो पहले एक चीज़ फिर हमसे नोट का आपको बता देते हैं, यहाँ सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी 30 टन पर मीटर स्क्वायर के बराबर या इससे ज़्यादा हो तभी ये थंब रूल अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो मिनिमम साइज ऑफ द फाउंडेशन होना चाहिए 1 मीटर × 1 मीटर। ठीक है, अगर इसको हम फिट में कहें तो 3 फीट × 3 फीट, ये फुटिंग का डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई, इससे कम का हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और फुटिंग का जो डेप्थ हो, यानी जो ग्राउंड फुटिंग का जो ग्राउंड लेवल से, नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो हम गड्ढा करते हैं जहाँ से फुटिंग प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, उसका डेप्थ मिनिमम 4 फीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2 फीट 3 फीट गड्ढा कर दिए और वहीं से फुटिंग दे दिए, नहीं, मिनिमम डेप्थ हमारा 4 फीट होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ फ्रेंड्स, अभी के इस वीडियो में हमने आपको बताया डायमेंशन के बारे में, मतलब कि बिल्डिंग में यूज होने वाले बीम, कॉलम, फुटिंग, इन सब के डायमेंशन के बारे में, मिनिमम डायमेंशन के बारे में। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट के बारे में, जिसको आप इसी वीडियो के पार्ट टू में देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो के साथ ही अपलोड हो रहा है। अभी आप तुरंत अभी भी आप देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। हमारे इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कीजिए, हमारी वीडियो पर कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, आप क्या नया वीडियो चाहते हैं, ये सब कमेंट जरूर किया कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सब्सक्राइब। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।